बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू माई ऑल माई यूट्यूब फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माई यूट्यूब फैमिली, आज का जो हमारा टॉपिक मेडिसिन है वो है लूना। इस पर हम बात करेंगे, इसके मेडिकल यूजेस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा। मैं हूँ आपकी दोस्त डॉक्टर इरम खान नियाज़ी। आज का जो हमारा मेडिसिन टॉपिक, जैसे कि हमने मेडिसिन बताई है लूना, इस पे बात करते हैं। लूना जो है, इसको हम लोग मेडिकल यूजेस पे बात करेंगे। जैसा कि ये मेडिसिन है, इसको शुगर ऑफ मिल्क, इसको चांदनी रात में रख कर इसकी ताकतें जो हैं वो बनाई जाती हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स जिनमें चांद के साथ ताल्लुक़ को, यानी कि मिर्गी का होना, पागलपन होना पेशेंट में, जो स्किन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इसके अलावा ये बीमारियां जो है वो चांद के ज़रिए असर आती हैं। अगर हम मेंटली कंडीशन की बात करें पेशेंट्स की, तो पेशेंट जो होता है वो चिड़चिड़ा होता है, तन्हाई पसंद होता है, वो मेंटली और फिज़िकली जो है वो मेहनत से उसको नफ़रत होती है, सैड मूवमेंट होते हैं उसके। इसके अलावा चांदनी रात के जो असरात होते हैं, बिलखसूस पूरे चांद के, पेशेंट के जो सर में है वो चक्कर आते हैं, सुबह के वक्त शदीद दर्दें होती हैं पेशेंट को, पेशेंट की आँखें अगर हम चेक करें तो आँखों में उसको ऐसा फील होगा जैसे उसकी आँखों में किसी ने रेत डाल दिया है, डंग लगने जैसा एहसास होगा, पपोटे उसके देखें तो वो स्वेलिंग होगी, उसमें रतूबत का इखराज होगा, पेशेंट की नाक देखें तो पेशेंट के को जुकाम, जर्दी माइल जो है रतूबत का इखराज होना, आंखों से आंसू बह जाना, पेशेंट की जो ज़ुबान है उसके बाएं जानिब जो है वो देखें तो उसका ज़ुबान का जो है वो जायका वो कड़वा होगा, इसी तरह पेशेंट की जो मुंह से राल बहती है, पेशेंट की स्टॉमिक अगर हम हिस्ट्री लें तो स्टॉमिक हिस्ट्री में ये होगा कि पेशेंट जो है उसको तुष डिकारें आएंगी, उसकी भूख ख़त्म हो जाती है, उसको वॉमिटिंग होती है, इसी तरह पेट में उसको जो है ना दर्द होता है, जो नाफ के ऊपर वाला एरिया हो वहाँ पे जब वो आगे झुकने पर वो मजबूर हो जाता है, अफारा का एहसास होगा पेशेंट को। इसके अलावा पेशेंट को देखें तो पेशेंट की जो तिली है उसमें दर्द होता है, जब भी पेशेंट जो है उसको यूरिन की उसकी प्रॉब्लम देखें तो यूरिन जो उसको पानी जैसा होगा और मिकदार में बहुत ज़्यादा आएगा। इसी तरह फीमेल डिजीज़ की बात करें तो फीमेल जो होती हैं उनको पीरियड्स जो होते हैं वो मिकदार में बहुत ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा ये होता है कि उनको उनकी जो इंटरनल एरियाज़ हैं उनमें इचिंग होती है, वाटर डिस्चार्ज का प्रॉब्लम होता है, कई फीमेल ऐसी होती हैं जिनमें लिकोरिया का प्रॉब्लम होता है, यूटरस जो है वो सुकड़ जाता है, इसके अलावा इखराज खून का प्रॉब्लम देखने में मिलता है। पेशेंट की दिल की जो कंडीशन चेक की जाए तो दिल की कंडीशन में ये होता है कि पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हसास हो जाएगा, उसको ऐसा फील होता है कि उसका दिल जो है ना अभी रुक जाएगा, उसको डिकार आने पर उसको आराम मिलेगा, लेट जाने से ज़्यादती हो जाती है, नब्स जो होती है वो तेज़ हो जाती है, दम घुटने का पेशेंट को एहसास होता है, कंधों में पेशेंट के दर्द होता है, बाएं जो है ना वो घुटने में दर्द, टांगों और कमर में दर्द होता है, नींद के बाद जो है वो पेशेंट में जो तकलीफ है उसमें ज़्यादती वाकिया होती है। ये थी इस मेडिसिन की जो सिम्टम्स जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।